नमस्ते दोस्तों, एसएससी का जो न्यू वेबसाइट है उसमें प्रॉब्लम्स के चलते कैंडिडेट्स को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, जैसे आपको पता है कि फेज़ 12 और उसके साथ सीपीओ का फॉर्म फिलअप चल रहा है, किसी का रजिस्ट्रेशन भी नहीं हो रहा है। किसी का रजिस्ट्रेशन के बाद जब वो लॉगिन करने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स ऐसे करके आ रहा है। किसी का हम लोग देखते हैं कि फॉर्म फिलअप मल्टीपल जो फॉर्म फिलअप करना है उसमें प्रॉब्लम हो रहा है, एक दो हो गया उसके बाद नहीं हो रहा है। किसी का फोटो कैप्चरिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, फोटो कैप्चरिंग में जिन लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है वो लोग का के लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो एसएससी का एक वेबसाइट है, सॉरी ऐप है माई एसएससी करके, वो डाउनलोड करके भी आप लोग कर सकते हैं। बहुत लोगों का ऐसा भी देखा गया कि वो लोग पेमेंट कर चुके हैं लेकिन पेमेंट करने के बाद उन लोगों का पेमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो वो जो एप्लीकेशन है वो अनसक्सेसफुल दिखा रहा है। किसी का पैसा भी नहीं कटा लेकिन आगे का पेमेंट का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है। ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स कैंडिडेट्स को आ रहे हैं। तो अगर आप देखते हैं कि आपका जो ये जो प्रॉब्लम है बहुत लॉन्ग टाइम के लिए परसिस्ट करता है, जैसे 48 आवर्स के बाद भी आपका जो प्रॉब्लम है वो अगर रह जाता है तो मैं आपको एक फ़ोन नंबर देता हूँ, एसएससी का ही फ़ोन नंबर है। बाकी बहुत सारे फ़ोन नंबर्स इधर उधर अवेलेबल है लेकिन ये मैंने खुद टेस्ट किया है कि ये फ़ोन नंबर से आपका जो क्वेरी है सुनी जा रही है। तो ये नंबर को थोड़ा नोट कर लीजिए, 1800-309-3063, ठीक है, 1800-309-3063। ये नंबर पे आप लोग कॉल करिए, इधर आपकी क्वेरी सुनी जाएगी, एकदम ऑथेंटिकेटेड है। और अगर आपको ऑफिशियली ही ये चीज़ रजिस्टर करना है तो आपका आप जिस रीजन से फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उस रीजन का जो रीजनल जो मेल आईडी है, रीजनल मेल आईडी मतलब जो कॉन्टैक्ट के लिए आपको ऑलरेडी दिया गया है, जैसे ईस्टर्न रीजन का आपको पता ही होगा contact-ssser.gov.in, ऐसे अलग अलग रीजन्स का अलग अलग रीजनल मेल आईडी है क्वेरी सुनने के लिए। वैसे मेल आईडीज़ में आप लोग आपका जो पूरा प्रॉब्लम है उसमें विथ फोटो स्क्रीनशॉट लेके क्या प्रॉब्लम है पूरा प्रॉपरली डिस्क्राइब करके आप वहाँ पे भी अपना जो कंप्लेन है दर्ज कर सकते हैं। बहुत से कैंडिडेट्स ने मुझे ये चीज़ पूछा है कि सर मेरा ये प्रॉब्लम हो रहा है वो प्रॉब्लम हो रहा है, तो अभी साइट इतना बिजी है, बहुत सारे कैंडिडेट्स एक साथ ट्राई कर रहे हैं, इसके वजह से ये चीज़ें हो रही है। अगर कुछ टेक्निकल एरर के वजह से आपका जो आप चाहे रजिस्ट्रेशन हो, फॉर्म फिलअप हो, पेमेंट हो, कुछ भी प्रॉब्लम आपका हो, अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम से आपका अभी दिक्कत आ रहा है तो पहले तो आपको वेट कर लेना पड़ेगा 48 आवर्स। अगर फिर भी आपका सॉल्व नहीं होता है, बहुत से कैंडिडेट्स को मैंने सुना है ऐसा 72 आवर्स हो गए, 4 दिन 5 दिन भी हो गए, तो उस सिचुएशन में आप जो मैंने फ़ोन नंबर दिया वो एसएससी का सबके लिए वही नंबर है, उसी नंबर में आप लोग कॉल करके अपना जो प्रॉब्लम है बताइए, एकदम जेन्युइन नंबर है, मैंने खुद भी कॉल करके रखा है। और जो आपका रीजन का रीजनल मेल आईडीज़ है कॉन्टैक्ट करने के लिए कैंडिडेट्स के लिए जो खोल के रखा है उसमें आप लोग मेल करके ऑफिशियल कंप्लेंट भी डाल सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि एसएससी का एसएससी ईस्टर्न रीजन का contact-ssser.gov.in, ऐसे अलग अलग रीजन्स का अलग अलग मेल आईडीज़ होगा, उसमें भी आप लोग बता सकते हैं। मेरे को आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसीलिए मैंने एकदम सीधा सीधा सोल्यूशन आपको बता दिया। जो इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ अगर आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।